इन दिस क्वेश्चन इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द स्क्वायर इक्वेशन 4x²-17x+α=0 सो दैट अल्फा इज फ्रॉम 1 टू 2 एंड बीटा इज फ्रॉम 2 टू 3 देन द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो वी नो दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन x 4x²-17x+λ=0 है सो वन रूट इज फ्रॉम 1 टू 2 अल्फा सो दिस इज 1 दिस 2 दिस इज 3 सो वन इन बिटवीन 1 एंड 2 सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज 2 टू 3 बीटा सो मींस यहां पे क्या कंडीशन लगेगी f ऑफ 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड f 2 इज लेस देन 0 एंड f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन लगेंगे ओके तो ये कंडीशन अप्लाई करेंगे इसके अंदर तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा 4-17+λ इज ग्रेटर देन 0 मींस लैम्डा ग्रेटर देन 13 ओके नाउ f ऑफ 2 इज लेस देन 0 सो मींस f ऑफ 2 क्या हो जाएगा f ऑफ 2 इज 16-34+λ इज लेस देन 0 सो लैम्डा लेस देन कितना आ गया लैम्डा लेस देन 18 नाउ अप्लाई f3 इज ग्रेटर देन 0 f3 क्या हो जाएगा 36-51+λ इज ग्रेटर देन 0 सो मींस लैम्डा ग्रेटर देन 15 ओके तो यहां से क्या वैल्यू आ गई f की लैम्डा की लैम्डा ओनली 16 एंड 17 लेस देन 18 होना चाहिए और ग्रेटर देन 13 एंड 15 से ग्रेटर तो टू वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा व्हिच इज इक्वल टू 16 एंड 17 ओके सो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सो इक्वल टू 2 टू वैल्यूज होंगी व्हिच इज इक्वल टू 16 और 17 ओके सो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा इक्वल टू 2 ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इसमें ये थ्री कंडीशन लगेंगे एफ वन ग्रेटर देन 0 एफ टू इज लेस देन 0 एंड एफ थ्री इज ग्रेटर देन 0 ओके बिकॉज रूट्स वन रूट इज फ्रॉम 1 टू 2 एंड अनदर रूट इज फ्रॉम 2 टू 3 ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन